जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। हेडलाइंस में रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस आएगा जल्द आपके खाते में, यानी स्टैंडिंग कमेटी ने लिया बड़ा फैसला। दूसरी बात, सर्विस पेंशन विद ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, कहा लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने। और सैनिकों को बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलेगा भविष्य में। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हार्डशिप अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस के बारे में बात करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि इसका अलाउंस 21 अप्रैल 2022 को एक लेटर आया था, उसमें पूरी घोषणा की गई थी कि 132 लोकेशन उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर आपका H1, H और R यानी हार्डशिप और रिस्क अलाउंस है, जो आप इस टेबल में देख सकते हो, जिसमें आपने एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखा है, जिसमें लिखा है हाई, मीडियम और लो। ये लिखा है आपका हार्डशिप का, और रिस्क का लिखा है सेम, हाई, मीडियम और लो। इस तरीके से जिनको कहाँ कहाँ मिलना है, इसका एक स्टैंडिंग कमेटी ने फैसला ले लिया है। उनके बहुत सारे सवाल के जवाब देते हुए यूनिटों में ये लेटर सर्कुलेट कर दिया है। आप यूनिटों में देख सकते हो कि आपके लिए वैलिड है नहीं। और ये आपको पता है इसकी तारीख, जैसा हम सभी जानते हैं 22 फरवरी 2019 से ये लागू है। जो जवान पेंशन जा चुके हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा एरियर के रूप में। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। एक लेफ्टिनेंट जनरल केजे साहब ने बड़ा मार्मिक एक स्टेटमेंट लिखा है। उन्होंने कहा है सर्विस पेंशन विद ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड, यानी सर्विस पेंशन अनुग्रह, यानी एक अनुग्रह और दृढ़ता के साथ मिलना चाहिए जवानों को, जो कि आज जद्दोजहद करनी पड़ी है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है सिर्फ पेंशन के लिए। उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेंशन के ऊपर ही निर्भर है। कुछ फैमिली है, विडो है, वीर नारी है, विकलांग बच्चे हैं, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और अभी तो इसकी शुरुआत है, यानी कि जो अभी तो करंट में जो लोग आए 2016 और उसके ऊपर वाले, उनके लिए इतना जद्दोजहद है। जब हम नीचे जाएंगे, बहुत पुराने पेंशनर्स हैं जो बीमार हैं, बहुत बैड कंडीशन में, उनके साथ किस तरह इनका माइग्रेशन होगा, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों बिल्कुल सही कहा, लेकिन हम आपसे विनम्र विनती करते हैं कि इस बार जो पेंशन रुकी थी इसमें बहुत बड़े बड़े जनरल साहब थे, सरकार ने बहुत जल्दी सुन ली, लेकिन आप अपने दिमाग को रहिए सेंटर में और स्पर्श के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। यदि आपने ईमेल आईडी और फोन नंबर आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो एक फॉर्मेट है, PDF है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, लीजिए और अपने रिकॉर्ड को भेज दीजिए। बाकी काम रिकॉर्ड का, जैसे ही ये चीजें होती रहेंगी कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन आपने रहना होगा अलर्ट। तीसरी बड़ी बात करते हैं सैनिकों को बिना संघर्ष कुछ नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ सैनिक हैं जो लगभग 50 दिन से धूप में, यानी 48 डिग्री टेम्परेचर में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। या सेना के अंदर हो या सेना के बाहर, हमें सिर्फ लड़ना सिखाया जाता है, सिर्फ अपने हक के लिए नहीं देश के लिए लड़ना सिखाया जाता है। आज हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लाखों सैनिक 50 दिन से भूखे प्यासे धूप में बैठे हुए हैं सिर्फ रिजर्वेशन के लिए, यानी सेकंड इनिंग, यानी आने के बाद हम क्या करें, हमें क्या सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या केंद्र सरकार क्या दे सकती ताकि हम अपना जीवन यापन कर सकें, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। ये कितनी मार्मिक कहानी, आप इस न्यूज को पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो कि कितने दिन हो गए इतना लंबा समय से और सरकार के कान पर जू तक नहीं रह रही, सरकार कोई एक्शन लेने वाले नहीं। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।